अगर आप एक महिला है और आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आज की जो वीडियो है आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कपीवा के स्किन ग्लो मिक्स के बारे में, किस तरह से काम करता है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी मॉम को ये अवेलेबल कराया था क्योंकि उनके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स थोड़े ज्यादा दिखने लगे थे, तो मैंने सोचा है क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए इस प्रोडक्ट को। इसी के साथ ही इसके सारे बेनिफिट्स जानेंगे, किस तरह से यूज करना है वो जानेंगे, कब इस्तेमाल करना है ताकि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले, एंड इसके ऊपर मेरा क्या टेक ऑन है, मुझे कैसा ये प्रोडक्ट लगा, मेरी मॉम को कैसा लगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। साथ के साथ ही साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको मन में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब दूंगा जिनका जवाब मिलना आपको बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स रोल द वीडियो। तो दोस्तों ये है कपीवा का स्किन फूड्स ग्लो मिक्स जो कि आपके कोलेजन की जो रफ्तार है उसे बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है? बिकॉज़ इट हैज 15 प्लस विटामिंस जो कि आपकी कोलेजन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। नाउ सी द कोलेजन इज अ वेरी अबंडेंट प्रोटीन जो कि आपकी ऑल ओवर बॉडी में पाया जाता है, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल प्रोटीन जो कि आपके जवानी को जवान रखने में आपकी मदद करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप 30s को पार करते हैं एंड हर एक गुजरते साल के बाद आप 1% कोलेजन लूज करते जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। सो इफ यू आर समवन, स्पेशली ये जो वीडियो मेरी महिला देख रही है, तो अगर आपको एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो कि नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो और उसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स ना मिले हो, ट्राई दिस वन। इसमें आपको 15 प्लस नेचुरल एंड आयुर्वेदिक विटामिंस देखने को मिलते हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपके कोलेजन की रफ्तार को बूस्ट अप करते हैं। एंड इसी के साथ ही द खास चीज इज कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपकी एपिडर्मिस यानी कि द फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे काम नहीं करता, ये आपके सेकंड लेयर ऑफ स्किन पर काम करता है। कैसे? ये आपकी डर्मिस तक जाता है, मतलब वाया इंटरनली, एंड आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिलता है एंड देन आपको असर दिखाना शुरू करता है। एंड बिकॉज इसमें काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, आपको एक ग्लूटाथायोन वाला इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ग्लूटाथायोन में इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह से हम अपने फेस को वाइटन अप एंड ब्राइटन अप कर सकते हैं। हियर यू गो ब्रो, इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की मदद से आपको एक नेचुरल वाइटन अप लुक मिलेगा जो कि आप अचीव कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि ये एक ऐसा लुक होगा जो कि आपके सस्टेन करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जनरली क्या होता है कि जितने भी हम ग्लूटाथायोन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको लगाते हैं जब अपनी डाइट में, तो वो जब तक हम यूज करते हैं तब तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपने बंद करा, आप बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। बट इन दिस केस द गुड थिंग इज कि आपका जो रिजल्ट है वो सस्टेन रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलरली कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि अगर आपके एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर वो है जिसे हम डर्मेटोलॉजी में हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, और आपने हर एक क्रीम ट्राई कर ली, रेटिनॉल ट्राई कर लिया, आपने विटामिन सी ट्राई कर लिया, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार ये ट्राई करके देखें एंड ट्रस्ट मी आपका जो मार्क है जो एक्ने के बाद रह जाते हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज ये टायरोसिनेट्स के जो लेवल है उसे डिक्रीज करता है जो कि आपके मार्क्स को दिखाता है आपकी स्किन के ऊपर। सेकेंडली ये आपके ग्लूटाथायोन जैसे मैंने आपको बताया लेवल को बढ़ा देता है एंड यू विल गेट अ गुड फेयर टोन। थर्डली अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिनके फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसी के साथ डार्क सर्कल्स आ चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं, डू गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई एंड यू वोंट रिग्रेट इट, बिकॉज ये आपकी कोलेजन का जो प्रोडक्शन है जैसे मैंने आपको बताया कि वो बढ़ा देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस प्रोडक्ट कम्स इन, एंड आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स थोड़े कम विजिबल होते हैं। इसी के साथ इसका अगला बेनिफिट है दोस्तों कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनको मेनोपॉज की समस्या है या फिर पीसीओडीज की समस्या है, अनियमित मासिक धर्म की समस्या है, हर एक महीने आपको अनियमित पीरियड्स आते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट ट्राई ऑन करना चाहिए। ये आपके मेनोपॉज की जो समस्या है उसे भी हील करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको पर्टिकुलर सप्लीमेंट कैसे यूज करना है। जैसे आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे ना, आपको 30 सैशेस देखने को मिलेंगे और आपको पर डे एक सैशे यूज करना है, मतलब एक महीने का आपको सप्लाई देखने को मिलता है, विच इन दिस केस आपको 1079 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको कब यूज करना है, आप या तो मॉर्निंग में इसे यूज कर सकते हैं या तो आप इसे अपने लंच या डिनर के बीच में कोई टाइम चुन सकते हैं, उस टाइम आपको यूज करना है। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आपको शाम की जो चाय है वो छोड़ दें और उस चाय की जगह आप ये एड ऑन करें। हियर इज माय पर्सनल टिप, क्योंकि चाय या कॉफी के बाद एक क्रैश देखने को मिलता है अक्सर 3-4 घंटे के बाद, वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट्स की, तो बहुत ही ज्यादा कमाल के इंग्रेडिएंट्स डाले
डाले गए हैं, जैसे कि रोज एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो कि आपको रोज पेटल से देखने को मिलता है। रोज में अक्सर आपको पॉलीफिनॉल्स देखने को मिलता है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके फ्री रेडिकल से बचाते हैं आपकी स्किन को और आपकी ऑल ओवर बॉडी को। अगला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, उसका नाम है शतावरी, जो आयुर्वेदा में बहुत ही सालों से प्रैक्टिस किया जाता है और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन। जी हां, वुमेन के पीसीओडीज या पीसीओएस या फिर मेनोपॉज की समस्या को कम करता है। सेकेंडली, ये आपके ग्लूटाथायन के प्रोडक्शन को नेचुरली तौर से बढ़ा देता है ताकि आप एक ब्राइटर टोन में जाने लगे। अगला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, उसका नाम है प्रोमेग्रेनेट, जो कि हाई इन विटामिन सी, विटामिन के एंड पोटेशियम में होता है और आपके एक्ने के बाद खासकर जो स्कार रह जाते हैं उनको हील अप करता है। इसी के साथ ही एक्टिव एक्ने को भी कम करता है, बिकॉज विटामिन सी एंड विटामिन के हेल्प्स इन योर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन ऑन योर स्किन। इसी के साथ ही ये हीलिंग के प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर देता है। सो इफ यू हैव एक्टिव एक्ने अपार्ट फ्रॉम स्कार्स, डू ट्राई दिस सप्लीमेंट आउट एंड यू वोंट रिग्रेट इट। अगला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, उसका नाम है मुलैटी, जो कि आयुर्वेदा में भी प्रैक्टिस किया जाता है और ये सफेद तरह की लकड़ी टाइप की होती है जिसको पाउडर के रूप में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस मुलैटी इज कि आपके फाइन लाइंस एंड इसी के साथ ही डार्क स्पॉट्स पर काफी अच्छा अटैक करता है, क्योंकि इसमें लिकरेस एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जो कि अक्सर आपने न्यू स्किन केयर में आप देख रहे होंगे। स्किन केयर में तो अब डल के आ रहा है, बल्कि हमारे आयुर्वेदा में तो बहुत पहले से इसे प्रैक्टिस किया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आपने जाना कि इसमें सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, तो आप अश्योर हो सकते हैं कि इसमें आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। बट हाँ, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी किसी को शायद हो सकता है एसिडिटी हो जाए या ब्लोटिंग हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन सवालों की जो आपके मन में उठते हैं और उनका जवाब मिलना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कैन आई कंज्यूम स्किन फूड्स ग्लो मिक्स इफ आई हैव डायबिटीज। नो ब्रो, यू डोंट हैव टू कंज्यूम दिस। अगर आपको कंज्यूम करना ही है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन आई कंज्यूम स्किन फूड्स ग्लो मिक्स इफ आई एम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग इन वुमेन। नहीं जी, आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी पंगे नहीं करने, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपनी बॉडी के साथ। बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल टाइम होता है, एंजॉय करिए वो टाइम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इज दिस प्रोडक्ट अ प्लांट बेस्ड। यस, इट इज प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन एंड इसमें आपको किसी भी तरह की स्वीटनर, एक्स्ट्रा स्वीटनर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसमें सुक्रोलोज का इस्तेमाल किया गया है, तो कीप दैट इन माइंड। डज दिस प्रोडक्ट हेल्प इन रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें विटामिन सी है जो कि प्रोमोग्रेनेट के रूप में आप डाला गया है अलॉन्ग विद आंवला एक्सट्रैक्ट एंड बेरीज एक्सट्रैक्ट, तो काफी अच्छी तरह से आपके हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है। इज दिस प्रोडक्ट इज आयुष सर्टिफाइड। यस, इट इज आयुष सर्टिफाइड प्रो। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टॉपिकल एप्लीकेटर्स, यानी कि विटामिन सी, रेटिनॉल, ये इन सबसे किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, जब विटामिन सी या रेटिनॉल की बात होती है ना, तो वो एक ही प्रॉब्लम पे काम करते हैं, या तो स्किन की फाइन लाइंस या रिंकल्स को हटाते हैं या डार्क स्पॉट्स को हटाते हैं। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट, ये काफी सारे प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट। अगला सवाल है, व्हाट फ्लेवर इट इज अवेलेबल इन। इट इज अवेलेबल इन रोज फ्लेवर, जो कि काफी स्मूदिंग फ्लेवर है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने क्या खट्टा खट्टा पी लिया, बिकॉज इसमें काफी अच्छी तरह से ब्लेंड किए गए हैं इन फ्लेवर्स में। तो दोस्तों, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग समथिंग नेचुरल फॉर योर एक्ने, एक्ने के मार्क्स या हाइपर पिगमेंटेशन या फिर आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, स्पेशली अगर आप एक वुमन है और आपने सब चीज ट्राई कर ली है एंड किसी चीज ने आपके स्किन पर या ऑल ओवर हेल्थ पर असर नहीं करा, आई मस्ट से कि आप ये सप्लीमेंट ट्राई करें। इस सप्लीमेंट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ट्रस्ट मी, यू विंट रिग्रेट इट वाइल यूजिंग दिस सप्लीमेंट। ऑलराइट गाइस, अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू जो ऑन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक क्लिक बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।